हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल चैनल पे आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस 2018 का जो अपकमिंग एग्जाम है, इसके लिए एक सीरीज शुरू की है। आज उसी सीरीज का क्वांट का पार्ट थर्ड है, जिसमें 2016 आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में 2016 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इनइक्वालिटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इनइक्वालिटी पूछी गई थी, वो पांच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो सेशन शुरू करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले डायरेक्शंस दी हुई हैं कि इसमें आपको दो स्टेटमेंट हैं, दो इक्वेशन दी हुई हैं। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उनको कंपेयर करनी है कि वो एक्स से वाई छोटा है या बड़ा है, जो भी उनमें रिलेशन। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² - 21x + 54 = 0। अब इसके अंदर सबसे पहले अपने इक्वेशन के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इक्वेशन में ये आप साइन देखिए, पहला निशान माइनस है, दूसरा प्लस। तो यहां जैसे मैं लिखूं x, तो x की दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, राइट। और यहां अगर मैं थोड़ा गैप देके लिख लूं y की, तो y की भी पहला निशान माइनस है, दूसरा प्लस है, तो दोनों ही जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव। तो ये चीज तो होगी। अब चलिए फर्स्ट पे, 2x² - 21x + 54। तो इसमें जो 2 और 54 को अपने को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि उनका टोटल 21 हो जाए। जब यहां निशान माइनस और यहां प्लस होगा, तो यहां जो फैक्टर अपने करेंगे, अल्टीमेटली उन फैक्टर्स का सम है, वो एक्स का कोफिशेंट होगा। तो इसमें अगर आपने देखें तो 2 गुणा 54 को क्या कर सकते हैं, 9 गुणा 6 9 6 54। अगर आप इसमें देखें 6 दूनी 12 और 9 12 और 9 को अगर जोड़ोगे तो 21 है, गुणा होके तो वो जो हो ही रहा है 2 गुणा 54 वाला ही। तो ये 12 और 9 दो अपने फैक्टर बन गए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 12 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उससे उसको डिवाइड कर दो 12/2, और दूसरी क्या होगी 9/2। तो 12/2 आ गई आपकी 6 और ये आ गई 4.5, तो 6 और 4.5 वैल्यू आ गई। दूसरा देखिए, अब y² - 14y + 49 = 0। अब 49 और 1 को तो 49 ही हो गया, 49 को क्या और आप फर्दर फैक्टराइज करोगे तो 7 × 7 और ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं इसका। तो 7 और 7 इन दोनों को जोड़ोगे तो 14 हो रहे हैं, तो ये इनके फैक्टर हो गए। 7 7 को गुणा करोगे तो 49 है, जोड़ोगे तो 14 है। तो y की वैल्यू आपकी 7 और 7। तो अब इसको जैसे ही आप देखोगे तो इसको तो आई थिंक आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहे हैं कि वाई की दोनों ही वैल्यू एक्स की वैल्यू से बड़ी है, तो एक्स इज स्मॉलर देन वाई आपका ऑप्शन आ जाएगा। एक्स स्मॉलर देन वाई कौन सा है, ऑप्शन बी को टिक करो और आगे बढ़ो। अदरवाइज अपने कंपैरिजन में करते क्या है, जैसे यहाँ एक्स हो गया ये वाई हो गया, सबसे पहले आप पहली वैल्यू लो एक्स की 6 को आप कंपेयर करो 7 से, तो एक्स छोटा है, फिर 7 दूसरे से करो छोटा है, फिर लो 4.5 को और 4.5 फिर एक्स छोटा है, और जब इसे उनसे करोगे तो छोटा है, तो एक्स इज स्मॉलर देन वाई। लेकिन ये तो है सिस्टम, जब इसमें कोई वैल्यू यहाँ कुछ है या कुछ है या कुछ है या कुछ है, जिसमें एकदम देखते एट ए प्राइमरी फेस ही आपको नहीं लग रहा हो कि भी कौन सा बड़ा छोटा है, तो करने की जरूरत है। जब आपको दिख रहा है कि ये दोनों 7 7 हैं, ये 6 और 4.5 है, तो एक्स छोटा है दोनों में, तो उसको ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, x² - 19x + 70 = 0 और 2y² - 17y + 35 = 0। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि एक्स की दो वैल्यू है फर्स्ट में और दोनों ही पॉजिटिव आए, भाई पहला निशान माइनस है दूसरा प्लस है, तो दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएंगे, और उसी तरीके से y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। तो ये पहला संकट तो निकल गया, अब आप फैक्टराइज कीजिए x और 70, ये तो एक है 70 है, 70 को फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि जुड़ के वो 19 हो जाए। तो अगर आप थोड़ा सा फास्ट है तो 14 5 70 14 और 5 19 आप फट लिख लेंगे कि x की वैल्यू 1 14 आ गई 5 आ गई, और नहीं है तो आप क्या करेंगे, 70 को 2 गुणा 35 है, 35 को आप कितना कर सकते हैं 5 गुणा 7, भाई इससे आगे तो आपका ये तो प्राइम नंबर से आगे कहीं फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है, इसमें फिर आप 2 7 दूनी 14 और 5 19, तो आप इससे भी आ जाएगा 14 5 70।
लेकिन अगर थोड़े से आप फास्ट हैं तो 14570 आपके टिप्स पे तुरंत आना चाहिए। तो ये वाई एक्स की वैल्यू निकल गई, वाई की देखें तो 2 और 35 ये वापिस 70 ही हो रहा है, 70 की वही फैक्टर हो रहे हैं 2, 5 और 7, यहां जुड़ के 17 चाहिए, तो 5, 2 और 10, 10 और 7, 17, तो 10 और 7 हो गया है। तो 10 बटा जो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट है, यहाँ ऊपर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 था इसलिए उसे डिवाइड करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, तो पहला 10 बटा 2 और दूसरा 7 बटा 2, तो 10 बटा 2 तो हो गया आपका 5 और ये हो गया 3.5। इसको अब आप अगर देखोगे तो ये हो गया आपका एक्स और ये वाई, जब 14 से आप देख रहे हो तो 14 तो बड़ा है, एक्स बड़ा है दोनों में, जब 5 से करोगे तो 5 यहां बराबर है और यहां बड़ा है, तो क्या हो गया एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन वाई, उस पर टिक करें और आगे। नेक्स्ट देखिए 3x² + 5x - 8 = 0 और y² - 4y + 3 = 0। तो सबसे पहले अपने x की वैल्यू क्या आएगी, जब यहां पहला प्लस दूसरा माइनस का निशान है तो जो बड़ी वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी और छोटी वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी। अगर अपने y का भी देखें ये तो ये पहला निशान माइनस है दूसरा प्लस है तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, तो इसमें तो बड़ी छोटी का कोई संकट नहीं है। अब आप देखिए इसमें 3x² + 5x - 8, तो 3 और 8 को आप 3 और 8 को अगर आप देखें, अब इस तरह का जब पहला निशान प्लस और दूसरा माइनस है तो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट को जो गुणा करोगे 3 और 8 को, उसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटके 5 आए, मतलब जो घटके जब यहां निशान ऐसे होंगे तो घटके 5 आए, तो एटलीस्ट एक फैक्टर कम से कम, दोनों में बड़े हो सकते हैं लेकिन एक जरूर 5 से बड़ा होगा, तो आपको डायरेक्ट ही मिल रहे हैं 8 और 3 को अगर डिफरेंस 5 आ रहा है तो यही इनकी वैल्यू आ गई। तो बड़ी वैल्यू 8 है तो ये x की वैल्यू 8/3 और दूसरी 3/3, तो 8/3 आ गई, 3/3 आ गई, x की वैल्यू आ गई दोनों। y में अगर आप देखोगे तो 1 और 3 के कोई फैक्टर आगे हो ही नहीं सकते, दोनों ही प्राइम नंबर है और आपको ऐसा चाहिए जो जुड़ के 4 हो रहा हो, ये दोनों ही जुड़ के 4 हो रहे हैं तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक तो 3 वैल्यू आ गई, एक आ गई और यहां भी आप देखोगे तो 1 है। तो एक्स जब ये माइनस की कोई भी वैल्यू है वो बोले कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी है, प्लस से हमेशा छोटी होगी, तो एक्स और वाई को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है जब माइनस वाली में तो एक्स छोटा है, लेकिन जब एक को आप कंपेयर 3 से करोगे तो भी एक्स छोटा है, लेकिन एक को 1 से करोगे तो बराबर है, तो आपका क्या आ गया एक्स इज स्मॉलर और इक्वल्स देन वाई, इस पर टिक करें और आगे बढ़े। अगर ये मैं जो आपको ये निशान और ये चीजें बता रहा हूँ ये आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो मेरा इसका जो कॉन्सेप्शनल पार्ट का एक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ वीडियो डाले हुए हैं उसमें चीजें डिटेल में बताई हुई है, आप उसमें जाके देखें बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें दो बड़ी चीजें होती हैं, एक तो ये कि इन दोनों को के जो यहाँ जो साइन है उन साइन को देख के आपको वैल्यूज के साइन का निशान लगाना होता है, दूसरा यहाँ जब साइंस किस टाइप के हो तो एक में ये बीच वाला फैक्टर है ये जुड़ के आता है, एक में इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें 12x² - 16x + 5, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो x की दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। y को अगर मैं देखूं दूसरे में तो ये भी माइनस और प्लस है तो दोनों ही वैल्यू y की प्लस आएंगी, तो ये साइन वाला झंझट खत्म हो गया। अब आप देखें और जब ये दोनों वैल्यू प्लस आएंगी यहां माइनस प्लस है तो यहां जो फैक्टर आप करोगे वो जुड़ के 16 होना है, 12 5 60, 60 के ऐसे कोई टुकड़े आप करें दो फैक्टर बनाए जो जुड़ के 16 हो, तो वैसे तो 60 है, 60 को 10 छी के 60 आपको दिख रहा है कि 10 और 6 16 हो रहे हैं, तो 10 और 6 आपके फैक्टर बन जाएंगे, तो 10/12 और 6/12। अगर ये फिर भी आपके नहीं आया समझ में तो आप इसको क्या करें, 5 का तो कोई फैक्टर आगे होना नहीं 12 का होना है, तो 12 को आप क्या करें 3 × 2 × 2, तो 5 × 2 = 10 और 3 × 2। अब इसमें फैक्टर्स में आप एक ध्यान रखें कि भाई ये दोनों फैक्टर जुड़ के 16 होने हैं, इसका मतलब 16 से दोनों कोई छोटा होना है, ठीक है ना, तो 5 × 3 = 15, 2 × 3 = 30 का तो आपको ऑप्शन ही नहीं लेना, 15 से छोटे ही लेने हैं, तो आपने क्या किया 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6, 10 और 6 = 16 बने, या 12 × 5 = 60 होते ही आपके क्लिक करे कि 10 × 6 = 7, 10 और 6 = 16। नेक्स्ट वाले में आप देखोगे वाई वाले में तो इसमें 18 × 25 है, 18 × 25, तो 18 × 25 को जब आप करें तो 18 को फट 2 × 9 होना, आपको पता 2 × 3 × 3 और × 5 × 5,
जुड़ के 45 होना है। तो अगर मैं ये देखूं 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6 × 5 = 30, 30 और 15 = 45 जुड़ के हो रहा है, वैसे गुणा होके वही 450 हो जाएगा। तो 30 और 15, तो 30/18 और 15/18। अब आप इनको आगे थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। 10/12 है तो ये हो गया आपका 5/6 और ये 6/12 है तो ये हो गया 0.5। और यहां आप देखेंगे 30/18 तो ये 1 से ज्यादा हो गया ये तो अगर मैं 6 से काटूं तो 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18, ये 5/3 और ये 15/18 है तो ये अगर आप 3 से काटोगे 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो आप देखें कि ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल है और ये जो वैल्यू है ये छोटी है, तो क्या हो गया एक्स इज, वैसे तो आप कर लो भले एक्स और वाई को यहां किया 5/6, तो 5/6 यहां एक्स छोटा है 5/3 से और इसके बराबर है और 0.5 में इन दोनों से ही एक्स छोटा है, तो आपका वैल्यू क्या आ गई एक्स इज स्मॉलर और इक्वल्स देन वाई। नेक्स्ट देखिए 3x² - 11x + 8, तो इसमें क्या हुआ एक्स की वैल्यू आपकी यहां पहला निशान माइनस दूसरा प्लस तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगे राइट। और वाई का अगर मैं देखूं तो यहां पहला प्लस है दूसरा प्लस है तो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आएंगे। अब आपको देखते ही लग रहा है कि पॉजिटिव तो हमेशा ही बड़ी होगी नेगेटिव हमेशा ही छोटी होगी, तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई पे आपकी करें आगे बढ़े, इसको बिल्कुल भी सोल्व नहीं करें। और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर मिलेगा जिसमें आपको सोल्व करने की करीब करीब, मैं नहीं कहता श्योर ही मिलेगा बट मिलेगा एक करीब करीब कि जिसमें आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपने एक्स की दोनों या प्लस दोनों माइनस जैसे ही दिखा तो आपकी कर। एक और आप हमेशा ध्यान रखें जब एक्स की यहां इक्वेशंस के साइंस के अकॉर्डिंग एक्स की यहां एक वैल्यू माइनस आ रही है और एक प्लस आ रही है और वाई की भी एक माइनस आ रही है और एक प्लस आ रही है, उस इक्वेशन को भी कभी सोल्व नहीं करें और आप उसमें जो ऑप्शन लास्ट वाला आपका होता है कि एक्स और वाई में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश पे आप टिक कर दें ले, क्योंकि आप इसको सोल्व भी करेंगे एक्स और वाई को, तो एक्स और वाई को जब आप सोल्व करेंगे तो कभी एक्स वाई से छोटा आएगा कभी वाई से बड़ा आएगा, जब भी आप कंपेयर करें अगर ये मुंह दो तरफ हो जाते हैं तो आपको आगे नहीं बढ़ना है और आप उस पे ऑप्शन ई पे चले जाएंगे, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश ड्यूरिंग आपके कंपेरिजन के। लेकिन जब इस तरह की पोजीशन बन गई जैसा ये क्वेश्चन था कि दोनों वैल्यू एक्स की पॉजिटिव और वाई के नेगेटिव, तो अपने को सॉल्व नहीं करना, अपने को पता है कि एक्स हमेशा ही बड़ा वाई से बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से बड़ी है। और अगर एक्स की एक वैल्यू माइनस एक प्लस और वाई की भी एक माइनस प्लस, भले छोटी माइनस यहां भले माइनस छोटी है या प्लस छोटी है या प्लस बड़ी है माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दोनों के दोनों ही साइन डिफरेंट है, दोनों में एक वैल्यू माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस है, तो आपको बिल्कुल आगे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, उसको कंपेयर करना है, आप रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश ऑप्शन ई पे टिक करेंगे वही ऑप्शन निकलेगा। तो दो पोजीशन तो ये होगी और एक ड्यूरिंग कंपेरिजन, जब भी आपके ये मुंह दो तरफ हो गए, एक बार कह रहा है एक्स बड़ा है एक बार कह रहा है छोटा है, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, फर्दर कंपेरिजन नहीं करेंगे और सी एन डी पे टिक कर। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हमारा सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब अब तक नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट रेगुलर करते रहे। अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यहाँ किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रह गया हो या मैंने जो बताया माइनस और प्लस के सिग्नेचर जो साइंस है उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर इसकी आपको कोई नीड ऐसी हो तो मुझे आप बता दें, मैं एक छोटा सा वीडियो उसका डाल दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस।